देखो मैडम ये सेवन्थ का कुछ टॉपिक है जो पढ़ाना है ना, चैप्टर लाइन एंड एंगल्स के बारे में है ना। ध्यान दीजिए, रेखा इसको बोलते हैं, लाइन इसको बोलते हैं मैडम, रेखा इसको बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मैडियर एंगल कोण। पहले तो इसके बारे में व्याख्या करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम रेखा के बारे में बहुत सारे लाइन बताएंगे आपको, ठीक है। पहले रेखा पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहला रेखा का नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। रेल की पटरी जो कभी ना मिले। दूसरा लंब रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। एक रेखा हो गया, एक यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, यहाँ को, ठीक है, समझ रहे हैं। अगला टॉपिक है इसी के अंदर में है, चौथा संपाती रेखा। कोलिनियर लाइन एक रेखा होता है, इसमें कट होता है एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से मतलब कट रहेगा। पांचवा हो गया तीर रेखा, ट्रांसवर्स दो रेखा पर जो कटता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। देखिए अब आते हैं कोण के बारे में, एंगल के बारे में। देखिए पहला कोण क्या है, 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल समकोण। दूसरा है 0 से ज्यादा, 90 से कम, मोर देन 0, लेस देन 90, इसे क्या कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तीसरा 90 से ज्यादा, 180 से कम, मोर देन 90, लेस देन 180, इसको बोलते हैं अधिक कम, एक्यूट ऑब्ट्यूज। चौथा कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, 90 डिग्री का होता है दो एंगल को जोड़ने पर, दो एंगल को जोड़ने पर। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है एक लाइन है, यहाँ दिया 70, यहाँ निकालना तो क्या करेगा 90 माइनस 70, इसका जो हो गया 20, ठीक है। और आप सोता है ना, अगला निकालना है
कितना हो जाएगा 180 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8। आओ सात में से गया 6, ठीक है 8 से अगला है ये हो गया 90 एक्स अपोजिट एंगल यानी समरूप एंगल एक्स बराबर हो गया, ठीक है। अभी सारे एंगल सॉल्व करें, देखिए इसने बनाया ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको कहेंगे आसन कोण, आसन कोण एडजस्ट एंगल एंगल जो यहाँ से इसको जोड़ के ना बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है समझ गए। काम छोड़ दे आगे, अगला फिर आता है सरल कोण, एक होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण, ठीक मानिए रेखा है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बाहर होगा ना तो एक अंदर हो जाएगा, यानी एंगल एक बराबर एंगल थे, इसको बोलते हैं संगत कोण, मतलब एक बाहर एक अंदर उसको बोलते हैं संगत कोण, क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। और इतने ही एंगल होते हैं, इतने रेखा होते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब चैनल को लाइक शेयर करें, और ये तो नमस्कार।